हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं रामवीर आज को स्वागत करता हूँ इंडिया के नंबर वन स्टडी लर्निंग चैनल वाईफाई स्टडी में। हाँ भाई, विजय जी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर सभी से। क्या पूछा उन्होंने कि भाई ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता। बहुत अच्छा लगा, सभी जवाब भी दे रहे हैं आपस में, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हाँ बता दो भाई कितना है, मतलब ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक। हाँ, ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है इन्होंने और मैं इनको शाबाशी देना चाहूँगा इस बात के लिए कि बहुत अच्छा सुबह सुबह उठ करके आपने इतना शानदार क्वेश्चन पूछा। चलो राधे राधे सभी को, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग, शाबाश, बहुत अच्छे। हाँ एक और बात ध्यान रखना, थोड़ा सा जैसे अभी अपना सिलेबस होता चला जाएगा ना, उसके बाद फिर अपन है ना इसके क्वेश्चंस लेंगे, बहुत मतलब लॉन्ग टर्म में लेंगे, है ना। अच्छा, डीजल मशीन की क्लास के लिए क्या की करना है, अब ध्यान से सुनो। डीजल मैकेनिक वालों को जितना मैंने पढ़ा है ना, वो सारा सारा कंप्लीट करना है, प्लस मार्केट से क्या करना है, 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो खरीदने, किसी भी कंपनी के आप खरीद लो, जो भी आपको मार्केट में अब 10-12 ब्रांड आ चुके हैं। पहले तो फिर भी इतने नहीं हुआ करते, 2011 में तो एक या दो ही आया करती थी बुकें, है ना। अब तो आपके पास 8 से 10 ब्रांड हैं, तो आप उनमें से कोई भी 10 साल के पेपर लो, 10 साल के पेपर। अब आप लोगों की एक समस्या होगी कि बोला सर 10 साल के पेपर मिक्स में आ रहे हैं, सारी ब्रांचों का मिक्स कर रहा है, तो ध्यान से सुनो, आपको सिर्फ अपनी ट्रेड का ही क्वेश्चन पकड़ना है, उसको ट्रेड के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अपन ने जितना यहाँ पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप वहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं और आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमने बहुत अच्छा पढ़ा है, और उसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ कि भाई वहाँ पर बहुत कम चांस है कि आपका एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चन होने के इधर उधर चांस नहीं है। हाँ ये है कि थोड़ा अगर कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है तो आप मुझे इसके क्या कर दो, भेज दो, है ना, फिर मैं आपको उसको मतलब अपने उस हिसाब से फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप बेफिक्र रहिए इस चीज़ को, मैं काउंट करता रहूँगा क्वेश्चंस को, आप बेफिक्र रहो और सारे क्वेश्चंस को मैं लेकर के आऊँगा, बीच में जैसे मुझे समय मिलेगा ना, कोई भी ट्रेड चल रही, लेकिन फिर भी आपके एक जो भी अगर कोई डाउटफुल ज़्यादा क्वेश्चन है वो मैं ज़रूर लूँगा आप लोगों, है ना। और हाँ, जो जवाब आया है तो मैंने आपको बताया था, ब्रिटिश भाई विजय जी ने पूछा था, तो विजय जी का तो नाम लेना ही पड़ेगा। अब धीरज जी ने इसका सही आंसर दिया है, धीरज सिंह जी ने इसका सही आंसर दिया है, 0.001 इंच, ब्रिटिश बोला है ना तो इंच लगेगा, है ना, 0.001 इंच। चलो ठीक है। हाँ जिसका आप नाम ले रहे हैं उन सबका अच्छा रहता है, बुक कोई खराब नहीं होती है, पढ़ाने वाला जो भी बनाता है वो बढ़िया बनाता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जिस जिस बुक का नाम ले रहे हैं वो सब बढ़िया है, बुक कोई भी खराब नहीं होती। और दूसरी बात, ये MM मत लगाओ इसके अंदर, आप लोग 0.001 लगा करके MMO लगा देते हो, भाई साहब ये गलत है ना। अगर आपको MM लगाना है तो मीट्रिक हो जाएगा माइक्रोमीटर, 0.01 MM तब ये लगेगा, है ना, है ना, तब लगेगा, तो ये मीट्रिक हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मीट्रिक हो जाएगा। और ये क्या है आपका, ये क्या है, ब्रिटिश है, ब्रिटिश क्या है ये, माइक्रोमीटर, ठीक है। अच्छा भाई, जो भी आप खरीदना चाहो ना बुक खरीद सकते हो, देखो सीधी सी बात है, एक बुक खरीदोगे 100-150 की आएगी, दूसरी खरीदोगे और 150-200, मतलब कुल मिलाकर अगर आपने 1000 रुपये की बुकें खरीद ली, 5-7 बुकें खरीद ली, तो आपका वो सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप ये मान लीजिए चलिए आपको 500 रुपये तो खर्च करने हैं मिनिमम, है ना, तो आप ये मान के चलो और बुकें खरीदो, और फिर आपको एहसास होगा कि हमने जो पढ़ा है ना वो रियल में हमारा ऐसा का ऐसे एज इट इज़ मिलता है ना। आप लोग सिर्फ कर रहे हो थोड़ा सब इसको, बुक्स को भी लोग मार्केट से उसको भी पढ़ो, है ना। सर आपकी राय देना जरूरी था, 56 नंबर आए, चलो मेरे से यार ये बार बार मत पूछा अगर मेरे इतने नंबर आए हैं ना। पूजा जी पूछ रही है, बोला आपके 56 नंबर आए, आराम से होगा, 100% होगा। मैं ये बोल रहा हूँ 30 नंबर से ऊपर जितनों के आ रहे हैं ना, 30 नंबर के ऊपर जिसके आ रहे हैं उन सबका 100% होगा, 101% होगा, स्टाम्प पर लिख करके दे दूँ क्या मैं। हाँ नेक्स्ट हम मेरे को लैथ मशीन पढ़ाना है आज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा इसके अंदर। हाँ मैकेनिकल डीजल वालों के लिए क्लास बिल्कुल, एक और बार हम इसका क्वेश्चंस लेकर के आएंगे दोबारा से, क्वेश्चन पूरे सारे के सारे पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक हम क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तब तक अगर मान लो मैं अभी क्वेश्चन उनके कराने लग जाऊँ या 100% डीजल ही कर दूँ, तो फिर बातचीत बेचारे और सभी लोगों को तो देखना पड़ेगा ना मुझे, तो ध्यान समझो। आज जो हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर बात करने हैं, लैथ मशीन, किसके ऊपर बात कर रहे हैं भाई,
लैथ मशीन। भाई लैथ मशीन है आपके सामने और लैथ मशीन दिख रहा होगा, आप लोगों ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? नहीं पढ़ी होगी साहब, अभी तक आपने लैथ मशीन कहाँ से पढ़ ली है ना? लैथ मशीन तो आपने आज दर्शन किए होंगे, पढ़ी है या नहीं पढ़ी? फिटर वालों लैथ मशीन के बारे में जानते हो नहीं जानते हो? देखा है नहीं देखा है ना? क्या देखा है भाई लैथ मशीन के बारे में? हाँ बिल्कुल भाई साहब, क्यूपोला फॉर्नेस से सुजीत शर्मा जी बोल रहे, क्यूपोला फॉर्नेस जो होता है ना उससे कौन सा लोहा प्राप्त होता है? तो ध्यान से सुनो, आंसर आपका आएगा कास्ट आयरन। क्या आएगा आंसर? कास्ट आयरन। शानदार, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया है ना। हाँ तो हमारे पास क्या है? लैथ मशीन है ना, हमारे पास क्या है? लैथ मशीन। ये क्या है? लैथ है ना, लैथ मशीन है, ठीक है। इसके अंदर देखो होता क्या है, हमारे एक एक पॉइंट के बारे में समझते हैं, एक एक पॉइंट के बारे में हम यहाँ समझते हैं। देखो यहाँ से आपको थोड़ा सा क्लियर थोड़ा कम दिख रहा हो, पहले अपन इस व्यू को देखते हैं ना, उसके बाद में आपको फिर और ज़्यादा डिटेल से समझ में आएगा, ठीक है। देखो लैथ मशीन का ये वाला जो पार्ट है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये लैथ मशीन है ना, और इस लैथ मशीन का मैं उसे आपको सही ढंग से दिखाई देगा, ठीक है। इसमें देखो क्या काम होता है भाई, ये क्या काम करती है, ये किसे इसे क्या कहते हैं, है ना, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, कौन सा सिद्धांत है, क्या मतलब, ये सारी सारी बात हमें क्या करना पड़ेगा, समझनी पड़ेगी भाई। लैथ मशीन जो है, लैथ मशीन जो है, लैथ मशीन जो है वो आपकी सभी औजारों की, सभी औजारों की जननी यानी माता, मदर है ना, माता कहा जाता है लैथ मशीनों को, सभी औजारों की जननी कहते हैं। बहुत अच्छे, सुजीत शर्मा जी ने भी बोला ये वाली बात, बिल्कुल शाबाश, बहुत अच्छे। लैथ मशीन को सभी औजारों की जननी कहा जाता है, यानी ऐसा कोई औजार नहीं है जिस औजार को हम लैथ मशीन से नहीं बना पाए, है ना। दुनिया में ऐसा कोई औजार नहीं है जिसे हम लैथ मशीन से नहीं बना सकते, है ना, यानी सारे औजार इससे बनते हैं। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ से ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि भाई लैथ मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो लैथ मशीन सिद्धांत का जो सिद्धांत है वो हिंदी में जो वर्ड आता है उसको आप हिंदी में क्या, सभी जगह लैथ के सिद्धांत कह सकते हो, या खराद का सिद्धांत। किसका? खराद। खराद आपके गांव वगैरह में अगर आपने देखो खाती वर्ड सुना है, खाती, तो खाती से ही कुछ मिलता जुलता है ये सिद्धांत। क्या होता है आपने देखा होगा गांव वगैरह में दही वगैरह वो पुराने टाइम में करते थे ना, रस्सी पकड़ के दो रस्सियों के बीच में वो लगा करके और उसको, है ना, इस तरीके से दही। तो वही सेम 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 प्रोसेस है। आप लोग जो गांव से जुड़े हुए हैं वो सभी लोग समझ गए होंगे मेरी बात को, नहीं समझ पाए होंगे तो फिर मैं और समझाता हूँ। देखो क्या होता है, खराद का सिद्धांत क्या है, दो वी शेप के जो ट्री होते हैं ना, पेड़ होते हैं, उनके बीच में एक शाफ्ट रख दी जाती है। उस शाफ्ट को क्या करते हैं, एक रस्सी से क्या करते हैं, गोल 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 पकड़ के फिर क्या करते हैं, उसे दो आदमी क्या करते हैं, खींचते हैं। उसके सामने जो भी चीज़ रखी होती है उसमें क्या होने लग जाता है, ड्रिल। ये बहुत पुराना प्रोसेस है, बहुत पुरानी चीज़ है ना, उसी के सिद्धांत पर ये काम करती है। ये आपके फिटर की जब थ्योरी या आपके मशीनिस्ट या टेंडर के अंदर जब भी ये स्टार्ट होता है तो वहाँ पर सबसे पहले खराद का सिद्धांत ही पढ़ाया जाता है। तो आपके एग्जाम में ये नहीं आना क्या होता है कैसे किया जाता है, नहीं, आपको सिर्फ एक वर्ड लिखना है, खराद का सिद्धांत। बिल्कुल बात सही है ना, कोई दिक्कत वाली बात है कि यहाँ पर पहले नंबर पर हमने सिद्धांत क्लियर कर लिया है ना। अब सिद्धांत करने के बाद में अब अगले पॉइंट पर हम चलते हैं कि भाई लैथ मशीन में हम किस मोटर का उपयोग करेंगे, है ना, लैथ मशीन में हम किस मोटर का उपयोग करेंगे। अच्छा एक और चीज आपके मेरे सामने यहाँ पर आ रहा है, हीट इंजन। सुनो मेरी बात, चाहे आप हीट इंजन में चले जाए चाहे आप डीजल इंजन में चले जाओ, दोनों लगभग 80% सेम है, लेकिन कुछ चीज़ें क्या हैं उसमें, हीट इंजन में अलग हैं। तो जब भी मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा तब मैं कह दूंगा अब ये हीट इंजन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस चल रहे हैं, और आपको बाकी वीडियो आपको डीजल मैकेनिक वाले देखने, शुरुआत से लेकर लास्ट तक आप डीजल मैकेनिक के क्वेश्चंस देख लो, उसके बाद में फिर अपन और मिलते हैं और बात करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब ज़्यादा अपने मतलब यहाँ वो मत करना ना अपना, हाँ किसके सिद्धांत पर, खराद के सिद्धांत पर। मैं क्या बोल रहा था अभी, कुछ बात बोल रहा था कि भाई इसमें जो आपके ठीक है खराद के सिद्धांत पर काम करेगी। अब यहाँ पर एक एक पॉइंट को जरा हम समझ लेते हैं क्या थे कि भाई लैथ मशीन के अंदर मेन सेक्शन की, हाँ मोटर की बात कर रहे थे, मोटर कौन कौन सी होती है, मोटर कौन सी यूज़ में ली जाती है। तो देखो भाई लैथ मशीन जब भी जहाँ पर भी आएगी वहाँ पर हमें
जरूरी नहीं है कि हमेशा लेथ मशीन का एक ही साइज पर्टिकुलर फिक्स हो, है ना। लेथ मशीन के साइज क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब मला छोटा आकार की भी होती है, बड़े आकार की भी, 10 फिट के कमरे में भी रखी जाती है, एक 50 फिट के कमरे में रखी जाती है, बहुत लंबी भी होती है, बहुत छोटे आकार की भी होती है। कार्य की उपयोगिता के आधार पर इनकी साइज क्या होती है, घटती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए उसी के हिसाब से अपने मोटर का जो एच पी है वो भी घटता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। अब इसमें कंपाउंड मोटर का उपयोग किया जाता है, किसका यूज़ किया जाता है, कंपाउंड मोटर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमें एक निश्चित आरपीएम भी मिल जाते हैं, एक फिक्स आरपीएम मिल जाते हैं, लोड सहन करने की क्षमता इसमें बहुत अच्छी होती है ना, और आसानी से मतलब लोड भी सहन कर रही है, और डीसी मोटर है ना, कंपाउंड मोटर है ना, कंपाउंड मोटर है ना, जिसमें आप कह सकते हो, पूरा नाम बोल सकते हो, डीसी लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड, ज़्यादा आपको नहीं बोलना, आपकी फिटर ट्रेड है तो कंपाउंड मोटर आप बोल दोगे तो इसमें काम आपका चल जाएगा। ये वाला जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, बीच वाला सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर या नीचे की साइड में यहाँ पर मोटर वगैरह रही है, इसके ऊपर ही गियर वगैरह रहेंगे, गियर को ही चेंज करके इसकी स्पीड को क्या करा जा सकता है, बदला जा सकता है, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं भाई, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये है हेड स्ट्रोक। कौन सा स्ट्रोक? हेड स्ट्रोक। इसे हम क्या कहते हैं? हेड स्ट्रोक कहते हैं। क्या कहते हैं? हेड स्ट्रोक। हेड स्ट्रोक जो आपका यहाँ से यहाँ तक है, इसमें पीछे की साइड गियर होंगे, गियर से कांटेक्ट में होंगे, और इस तरीके से सारा सारा आपको दिखाई देगा। हाँ बिल्कुल, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मशीनों के बेड है ना, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, लेथ मशीन का बेड है ना, बहुत अच्छे है ना, मैं नाम लेना भूल गया है ना, मशीनों के बेड किस धातु के बनाए जाते हैं? तो अपन को ध्यान रखना है कि भाई मशीनों के जो बेड होते हैं ना, वो आपके कास्ट आयरन के बन जाते हैं ना। तो ये आपके सीपी यादव जी ने बोला है कि कास्ट आयरन की बनी होती है, बनी होती है। देखो सारी मशीन को नहीं बोल देना है बनी होती है, हाँ कास्ट आयरन की बनी होती है, लेकिन इसका बेड यानी कि मशीन का आधार है ना, इसको हम क्या कह सकते हैं भाई, ठीक है, देखना भाई, ध्यान समझ लो मेरी बात को। तो मशीन का आधार यानी कि क्या कहते हैं, बेड। और ये बेड किसका बना रहेगा? ये बना रहेगा कास्ट आयरन का, ठीक है। अब ये कास्ट आयरन का क्यों बना रहेगा, तो ध्यान सुनो, जब भी हम बेड, एक तो सोने वाला होता है, और एक क्या होता है जिसके अंदर पुर्जे कसे जाते हैं, ठीक है, और ये क्या करता है, उसको संभाल के रखता है, ठीक है, तो इसलिए इसे बेड बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ सोने वाला बेड मत समझ लेना, इसके अंदर ये खोखला भाग है पूरा, उसके अंदर मशीन के पुर्जे फिट किए गए ना, तो कुल मिला के कास्ट आयरन का बनेगा, ठीक है। अब कास्ट आयरन का ही क्यों बनता है, क्योंकि कास्ट आयरन, अब देखो मशीन है, मोटर चलेगी, वाइब्रेशन होंगे, वाइब्रेशन होने से कोई और किसी और चीज़ के बनाए जाती तो शायद वो भी क्या करती, वाइब्रेशन करती। लेकिन कास्ट आयरन के अंदर एक बहुत अच्छी खूबी क्या है, ये कभी वाइब्रेशन नहीं करता, और ज़्यादा अगर मतलब ज़्यादा झटके कंपन वगैरह मतलब कितने भी हो जाएं तो ये वाइब्रेशन नहीं करता, और ज़्यादा ही लोड पड़ जाए इसके ऊपर, ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा अति हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन कभी भी मतलब पूरी तरीके से खंडित हो जाएगा, लेकिन वो मतलब विकृति दिखाई नहीं देगी, उसके अंदर वाइब्रेशन कभी नहीं आएंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कास्ट आयरन की बनी रहेगी, ठीक है। अब इसका जो हेड स्ट्रोक यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ये हेड स्ट्रोक असेंबली कहलाता है। कौन सी असेंबली कहलाता है? हेड स्ट्रोक असेंबली। और हेड स्ट्रोक असेंबली के ऊपर ही हमारा क्या रहता है? चक बना लगा रहता है। हेड स्ट्रोक असेंबली के ऊपर ही हमारा क्या रहता है? चक रहता है ना। फिर ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो हमारा क्या रहता है? हेड स्ट्रोक असेंबली के ऊपर ही क्या रहता है? आपका चक रहता है, ठीक है। अब चक क्या होता है? देखो ये चक कह सकते हो यहाँ पे ना, और यहाँ पर अपने देखो हेड स्ट्रोक असेंबली में क्या आएगा आपका? इधर की तरफ स्पिंडल आएगा, स्पिंडल के ऊपर क्या लगाया जाएगा? चक लगाया जाएगा। सबसे पहले अंदर की साइड क्या आएगा? स्पिंडल आएगा। स्पिंडल के ऊपर क्या लगाया जाएगा? चक लगाया जाएगा। स्पिंडल क्या होता है? स्पिंडल होती है घूमने वाले शाफ्ट, जो क्या होती है अंदर की साइड जो मूवेबल पार्ट होता है ना, जो आपको क्या करता है इसको चक को यानी कि वर्क पीस होल्डर को क्या करता है? घुमाने का काम करता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए इसके अंदरूनी से अंदर से जो शाफ्ट निकल के आएगी जिसके ऊपर ये चक लगाया जाएगा, चक का मतलब वर्क पीस होल्डर है ना, चक। अब ध्यान सुनो, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ ना, क्योंकि फिटर वाले स्टूडेंट भी हम काफ़ी मतलब
बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो समझते जाना धीरे धीरे। इसे ही वर्क पीस होल्डर को ही क्या कहते हैं, चक कहते हैं। पिछले वाले भाग स्पिंडल, स्पिंडल के ऊपर क्या लगेगा, चक लगेगा। तो पूछा गया है कई बार कि बताइए भाई कि लैथ मशीन पर चक को कहाँ लगाया जाता है, तो आपको सीधा सीधे शब्दों में क्या बोलना है, स्पिंडल पर बोलना है। अब देखो यहाँ पर जो है वो थ्री जॉ चक है। कौन सा है, थ्री जॉ चक। थ्री जॉ चक का मतलब आप समझते हैं, तीन तीन जॉ वाला है ना, तीन जॉ वाला यानी तीन भुजाओं वाला। और इस चीज़ से हम, इससे हम जब भी कोई चीज़, कोई भी उपकरण जब हम पकड़ेंगे तो ये क्या करेगा, उस चीज़ को सेंटर से पकड़ेगा। कहाँ से पकड़ेगा, सेंटर से पकड़ेगा। यानी के मतलब एक केंद्र के सापेक्ष गति कराने के लिए किस चक का उपयोग किया जाता है, तो वस्तु को उसके केंद्र के सापेक्ष गति कराने के लिए किस चक का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बोलना थ्री जॉ, है ना, थ्री जा, है ना, थ्री जॉ चक, ठीक है। हाँ, चक का प्रयोग होता है जॉब को। हाँ, अब क्या करेगा, ये सेंटर से पकड़ेगा। जिसे क्या, कहाँ से पकड़ेगा, सेंटर से पकड़ेगा। इसके अलावा देखो ये फोर जॉ चक भी होता है, फोर जॉ का मैग्नेटिक टाइप भी होता है, और भी अलग अलग कई टाइप हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए फोर जॉ, अब अलग से पकड़ना है, बाहर की तरफ से पकड़ना है, तो अब ये केंद्र के, ये केंद्र के सापेक्ष क्या करा रहा है, घूर्णन गति करा रहा है। अब वो क्या करेगा, केंद्र से हट जाएगा, केंद्र से हट के परिधीय गति कराएगा। कौन सी गति कराएगा, मतलब इस तरीके से, मतलब शाफ्ट को, ये तो अभी तो ऐसे घूम रही थी, है ना, केंद्र के सापेक्ष, मतलब इस तरीके से, इस तरीके से घुमाया जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से गोल 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 घुमाया जा रहा था। लेकिन अब ये कैसे घूमेगी, कुछ इस तरीके से घूमेगा, केंद्र से हटा देंगे, तो फोर जो चक है ना। अब देखो ध्यान सुनो, समझ में आ गई बात, चक अलग अलग होते हैं, थ्री जो भी होता है, फोर जो भी होता है ना। अच्छा, अगले पॉइंट पर चले। ठीक है, बहुत अच्छे, हाँ ध्यान से समझेंगे आगे। अगले पॉइंट में हम आगे चलते हैं, तो भाई वर्क पीस होल्डर हो गया, वर्क पीस होल्डर के बाद में ये आ गया आपका वर्क पीस। क्या आ गया आपका, ये वर्क पीस, ये दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा, देखो दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है आपका, वर्क पीस है। क्या है आपका, वर्क पीस। वर्क पीस मतलब जिसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। अब कोई मुझे यहाँ बता सकता है यहाँ पर कौन सा, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या काम किया जा रहा है, आपको कुछ लग रहा है क्या यहाँ पर, यहाँ पर आपको लग रहा है, यहाँ पर सही ढंग से कहा जाए यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि इस मेटल की क्या है, कटिंग की जा रही है ना, कटिंग की जा रही है, थ्रेडिंग दिखाई नहीं दे रहा है ना, कटिंग ही की जा रही है, थ्रेडिंग नहीं है, नजर आ रहा है, ठीक है, है ना। थ्रेडिंग होता तो यहाँ क्या होती है, चूड़ियाँ बन रही होती, क्या बन रही होती, चूड़ियाँ। ये क्या कर रहा है, काटने का काम कर, कटिंग क्या चल रही है ना, सरफेस की, ऊपरी सरफेस की क्या चल रही है, कटिंग कर रही है, कटिंग चल रही है, और इसको काउंटर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी बीच में बिल्कुल एकदम साफ्ट को सही करने की कोशिश कर रहे हैं ना। अच्छा, आगे चलें, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। भाई देखो, चक, चक से क्या जुड़ा होता है, यानी वर्क पीस होल्डर, वर्क पीस होल्डर से वर्क पीस जुड़ा रहता है। वर्क पीस की लंबाई देखो यहाँ तक गई है, और इसके जो सबसे छोटा वाला, इसके लास्ट वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये है टेलीस्ट्रॉक। कौन सा है, ये है टेलीस्ट्रॉक। और उधर की तरफ हमने देखा था वो कौन सा था, हेड स्ट्रॉक था। तो ये वाला जो पार्ट है आपके पास वो क्या है, टेलीस्ट्रॉक। और टेलीस्ट्रॉक के लास्ट में यहाँ पर क्या है, डेड सेंटर। ये क्या है आपका, यहाँ पर क्या है आपका, डेड सेंटर। क्या है आपका, डेड सेंटर। ज्यादा नहीं, मैं यहाँ सिर्फ बता दे रहा हूँ, डेड सेंटर। अब डेड सेंटर का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनो, ये पुर्जा कुछ इस तरीके का होता है कि मतलब जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर और शो कर देता हूँ, ठीक है। ये पुर्जा कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का पुर्जा होता है ना, और ये होता है, ये वाला पुर्जा इस तरीके का होता है, डेड सेंटर, नुकीला टाइप का होता है आगे की साइड। तो अब क्या होता है, इससे आकर के जो होती है आपकी वो शाफ्ट क्या हो जाती है, इससे आके जैसे कोई शाफ्ट है ना, शाफ्ट क्या हो जाएगी, यहाँ पर आकर के इससे क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यानी क्या कह सकते हो, शाफ्ट के केंद्र से ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से क्या रहेगा, अटैच रहेगा। समझ गए ना मेरी बात, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी ना। तो शाफ्ट से ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से क्या हो जाए, अटैच हो जाए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि भाई शाफ्ट को, शाफ्ट को सहारा प्रदान करने का कार्य कौन करता है, शाफ्ट को सहारा प्रदान करने का कार्य कौन करता है, तो आपको क्या बोलना है, क्या बोलना है, डेड सेंटर करता है। कौन करता है, डेड सेंटर। डेड सेंटर कहाँ लगा रहता है, टेलीस्ट्रॉक पर। टेलीस्ट्रॉक भी सहारा प्रदान, मगर ऑप्शन में डेड सेंटर नहीं है, तो आपको टेलीस्ट्रॉक पर जाना पड़ेगा। भाई वर्क पीस को सहारा प्रदान करने का कार्य कौन करता है, तो वो आपको बोलना है
टेल स्ट्रोक है ना, और टेल स्ट्रोक पर कौन करता है तो आपको क्या बोलना है, डेड सेंटर। कौन करता है भाई, डेड सेंटर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी यहाँ तक, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब पूछा जाता है आपसे लैथ मशीन पर, कई बार पूछा जा चुका है ना अब, और आपको सोच समझ के इसका क्या करना रहता है, जवाब देना रहता है कि लैथ मशीन के किस असेंबली पर, किस सब असेंबली पर टूल को फिट किया जाता है, कहां पर, क्या बोलेगा आपसे, लैथ मशीन की किस सब असेंबली पर टूल को क्या किया जाता है, फिट किया जाता है। तो आपको क्या आंसर आएगा बताओ भाई, कोई मुझे बता सकता है क्या? दिख रही होगी मशीन तो अब आप है ना, ठीक है। लैथ मशीन के किस सब असेंबली पर टूल को फिट किया जाता है, कोई बताएगा मुझे? हाँ, लैथ मशीन की किस सब असेंबली पर टूल को फिट किया जाता है, टूल को फिट करने की जगह कौन सी है? हाँ बिल्कुल साहब, बहुत अच्छे, शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत गजब जवाब दिया आप लोगों ने सभी ने, और देते जा रहे हो, बहुत अच्छे, यही उम्मीद थी आपसे। हाँ देखिए भाई, क्या है टूल पोस्ट, क्या है टूल पोस्ट, यहाँ एक वर्ड दिखाई दे रहा है आपको, क्या वर्ड दिखाई दे रहा है आपको, टूल पोस्ट जो है ना, ये देखो ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट जो है वो है टूल पोस्ट के ऊपर हम क्या रखते हैं, टूल को सेट करके रखते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा बदल जाता है ना, अब मेरे को थोड़ा सा एक क्वेश्चन और बोलना पड़ेगा यहाँ पर कि भाई ये बताइए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल को, अब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच समझ के और बड़ा ध्यान से जवाब देना, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल को लैथ मशीन के किस भाग पर, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल को लैथ मशीन के किस भाग पर लगाया जाता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ भाई जल्दी जल्दी देख के बताओ क्या आंसर आएगा। हाँ लैथ, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल को लैथ मशीन के किस भाग पर लगाया जाता है, ठीक है। अभी जवाब नहीं आया आपका है ना, धीरे धीरे मुझे जवाब दो। टूल पोस्ट कंपाउंड सेट पर, नहीं गलत है, चक पर नहीं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को तो टूल पोस्ट, हाँ बिल्कुल, ये बात अच्छी लगी मुझे कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को तो पता है सर, ये निपित किसने दिया था ये जवाब, मैं 2 मिनट देख के बता सकता हूँ आपको, बढ़िया जवाब दिया था आपको है ना। तो कुल मिला के सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को तो कहाँ लगाया जाता है आपका, वो तो लगाया जाता है आपका किस पर लगाया जाता है, टूल पोस्ट पर लगाया जाता है, सिंगल पॉइंट अगर बोलता है तो, है ना। जोगिंदर कुमार जी ने दिया हुआ है, इन विच ओनली सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज्ड, है ना। अब ध्यान सुनो, क्या ये केवल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के लिए काम में आती है, तो ऐसा नहीं है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के लिए भी काम में आता है। एक क्वेश्चन आंसर आ चुका है, एसपी यादव जी ने मेरे को आंसर बिल्कुल सही बोला है, हाँ एसपी यादव जी का बहुत बहुत मतलब कह सकते हो आप, बाकी सब मित्रों के लिए मतलब बहुत बहुत बधाई भाई, आपने क्वेश्चन का जवाब अच्छा दिया। हाँ हेड स्ट्रोक पर नहीं लगेगा, हेड स्ट्रोक पर नहीं लगेगा, बहुत गलत है आंसर ये, है ना। टेल स्ट्रोक, अब जो जगतेंद्र गुप्ता जी ने भी सही आंसर दिया है, हाँ अब जितेंद्र जी ने दिया है, जितेंद्र गॉड जी ने दिया है, वो आंसर दिया है डेड सेंटर पर, बिल्कुल शाबाश, एकदम 3 निशाने पर लगा दिया आपने, है ना, है ना जितेंद्र जी ने, जितेंद्र गॉड जी ने ना, तो जितेंद्र जी का बहुत बहुत कहेंगे, बोले हाँ यार ये पढ़ाई कर रहे हैं, आने वाले समय में जल्दी से जल्दी भगवान ने चाहा तो आपको लोगों को पायलट बहुत जल्दी बनाया जाएगा, 100% बनाया जाएगा। ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चन 2014 का रांची बोर्ड का क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि भाई मल्टी पॉइंट कटिंग टूल को लैथ मशीन के किस भाग पर लगाया जाता है, और कई बच्चों ने इसको क्या कर दिया था, गलत कर दिया था, ठीक है। अब जरा यहाँ ध्यान से समझना, इस लैथ मशीन के अंदर एक भाग कौन सा, ये टेल स्ट्रोक होता है ना, और टेल स्ट्रोक के आगे होता है डेड सेंटर। तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल जब भी आता है, जब भी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल आता है, तो हम क्या करते हैं, डेड सेंटर को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल को। अब इसमें होता क्या है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का मतलब यानी कि ड्रिल बिट रीमर है ना, और इसके अलावा आपका टेप है ना, डाई वगैरह है ना, ये सब चीजें क्या आती है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में। इसमें काटने वाला
पॉइंट होता है वो सिंगल नहीं होता है, वो अलग अलग होता है ना, तो वो आपका कहाँ रखा जाएगा, टेलीस्टॉप पर, ड्रिल, रीमर, है ना, ये सब रीमर के ऊपर पूछा गया था 2014 के अंदर रांची में कि भाई रीमर को लेथ मशीन के किस भाग पर फिट किया जाता है, तो रीमर को हमेशा क्या करते हैं, टेलीस्टॉप पर फिट कर देते हैं और जॉब यहाँ फिट रहता है, और जॉब के जॉब को जब यहाँ फिट रखते हैं तो जॉब को घुमाते हैं हम, यहाँ ध्यान रखना लेथ मशीन के अंदर जॉब को घुमाया जाता है और क्या करते हैं टूल को, औजार को क्या रखते हैं, स्थिर। अब ध्यान सुनो, दोनों में बहुत फायदा है, अब आप ध्यान समझना, एक चीज़ तो है आपकी क्या नाम है, बहुत ज़्यादा सॉलिड मटेरियल से, बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल से बनी हुई है, जो गर्म नहीं होती आसानी से, बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म नहीं होती है ना, है ना, और दूसरे मेटल की तुलना में, और जो जो मटेरियल थोड़ा सॉफ्ट है, जो काटा जाना मरला मटेरियल है, वो गर्म भी होगा, ठीक है, और गर्म होने वाले मटेरियल को आप क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ कि भाई जब आप इसको क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो, और आप क्या कर रहे हो, जो लुब्रिकेंट है, ऑयल जो आप सिनेबार ऑयल का जो आप यूज़ करते हैं, वो टूल पर डाल रहे हैं आप रेगुलरली, तो क्या हो रहा है, टूल तो आराम से क्या हो रहा है, ठंडा होता चला जा रहा है, ठीक है, और बाकी जो औजार है, जो उपकरण है, वो क्या हो रहा है, कट रहा है। तो ध्यान सुनना, यहाँ पर गतिशील क्या रहता है, गतिशील रहता है जो भी आपका जॉब है, वो गतिशील रहता है, और जॉब जब गतिशील रहता है, जॉब में फ्रैक्शन ज़्यादा होता है, फ्रैक्शन ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है कटिंग भी क्या होगी, इसकी आसानी से होने लग जाएगी। टूल को हम क्या कर रहे होते हैं, ठंडा कर रहे होते हैं, तो हमेशा याद रखना हम टूल को क्या करते हैं, और अगर ऐसी जगह जहाँ पर टूल ही क्या हो रहा घूम रहा होता है, तो वहाँ पर टूल को वहाँ लुब्रिकेंट डालते हैं, तो वहाँ पर वो लुब्रिकेंट टूल पर तो जाते ही जाता है, उसके साथ साथ जॉब पर भी जाता है ना, दोनों बराबर रूप से, यानी कि यहाँ पर ये क्या है, गतिशील है, ये स्थिर है, और स्थिर में गतिशील के जब चोट पहुँचाई जाएगी, तो हमेशा याद रखना जो गतिशील पार्ट होगा वो उसमें ज़्यादा डैमेज होगा। मेरे एक इसको ऐसे एग्जाम्पल को आप ऐसे भी समझ सकते हो, हीरा, हीरे के बारे में बात को बताता हूँ मैं आपको, हीरे को काटने का काम हीरा ही करता है, हीरे को काटने का काम जैसे लोहे को लोहा काटता है ना, उसी प्रकार से हीरे को काटने का काम भी हीरा ही करता है। अब क्या किया जाता है, हीरे की भी अलग अलग किस्म होती है ना, और उन किस्मों के अनुसार जो बहुत ज़्यादा कठोर हीरा होता है उस वो मतलब थोड़ा कमज़ोर हीरे को क्या करता है, काटता है। जिस हीरे को हमें काटना होता है उसको तो हम बहुत तेज स्पीड से घुमाते हैं ना, और जिसको काटना होता है उसको तेज स्पीड से घुमाते हैं, और फिर दूसरे हीरे की उसमें क्या लगाते हैं, टक्कर मारने से वो क्या होता है, कटता है वहाँ से, ठीक है ना। हीरा एक ऐसी चीज़ है जो दूसरों चीज़ों को क्या कर सकती है, आसानी से काट सकती है, लेकिन खुद कटती नहीं है, क्योंकि सबसे दुनिया का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल है ना। अब ध्यान समझ गए होंगे मेरी बात को, यानी जिस चीज़ को हमें काटना है, अगर दो चीज़ें हार्ड हैं और हार्ड में भी अगर हमें किसी को काटना है, तो काटने वाले को गतिशील करना पड़ेगा, है ना कि नहीं, वो कटने वाली जो चीज़ है उसको गतिशील करना पड़ेगा, और जो उसे काट रहा है उसे स्थिर रखना। जैसे एक और एग्जांपल लो, आप चलती हुई गाड़ी है, चलती हुई बाइक है, चलती हुई चीज़ है, कोई भी है ना, और आप बहुत तेज स्पीड में जा रहे हो, स्पीड में जाते जाते अचानक से आपको छोटी सी लकड़ी टाइप की भी अगर टकरा जाएगी, तो आपकी क्या होगा, बहुत तेज लगेगी ना। तो कुल मिलाकर कहा जाए, कुछ भी आपके हल्का सा भी कुछ आ गया तो मामला बिगड़ ही जाएगा, कुल मिलाकर के कहा जाए, एक पत्थर ने भी आपको नुकसान पहुंचा दिया, यानी गतिशील चीज़ों में नुकसान बहुत जल्दी आता है, और स्थिर चीज़ों में नुकसान क्या होता है, क्योंकि पहले से ही क्या है, स्थिर है, उसको गतिशील होने में टाइम लगेगा, उतने में तो वो क्या कर देती है, अपना काम कर देती है। समझ गए ना आप मेरी बात को, तो यहाँ पर जॉब हमेशा गतिशील रहता है और टूल्स हमेशा क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगले पॉइंट पर चलता हूँ मैं आपको, भाई सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कैसा होता है देखने में भाई, क्योंकि आपको यहाँ से तो दिखेगा नहीं है ना, तो मैं आपको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को जरा यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, है ना। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बना किसका होगा, जब तक मैं ये टूल बना रहा हूँ तब तक आप मेरे को क्या कर दो, जवाब दे दो भाई, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल किस धातु का बना रहता है ना, बता दो भाई, बता दोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे तो बताना ही है, मैं तो बताऊंगा इसे भाई, मैं तो आया ही इसलिए हूँ कि मैं बताऊंगा ही, है ना कि नहीं, वरना आप तो क्या नाम है, आप तो है ना, ये रहा, ये आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बन करके क्या हो गया है, तैयार हो गया है, कोशिश तो अच्छी की है मैंने, लेकिन देखते हैं, समझ में दिख रहा है ना आप लोगों को, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है ना, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है, इसको थोड़ा सा और मैं
थोड़ा सा और लेता हूँ मैं हल्का सा इसको, चलो आप इसी समझ लेना। ये है आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। कैसा है? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, है ना। अब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में होता क्या है, यहां पर देखो इसके ऊपर के साइड यहां पर क्या होगा आपका, यहां पर एक और लेयर डाली जाएगी, यहां पर एक और लेयर डाली जाएगी। और ये जो लेयर है ना, ये लेयर ही बहुत काम की है ना, ये जो लेयर है ये लेयर ही क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, काम की है। तो कुल मिलाकर कहा जाए ये जो ऊपर वाला जो भाग है ये लेयर है ना, ये लेयर है यही काम की, बाकी जो पुर्जा है, बाकी जो पुर्जा है ये ऊपर की, से जो लेयर है इसके ऊपर जो लेयर डाली जाएगी है ना, जो लेयर है लेयर डाली जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये यही लेयर क्या होगी, यही लेयर काम करेगी काटने का, ठीक है। इसके ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग नहीं, नीचे वाला भाग किसका बनेगा, तो ध्यान से सुनना, नीचे वाला बनेगा मीडियम कार्बन स्टील का। किसका बनेगा? मीडियम कार्बन। अब ये मीडियम कार्बन स्टील का क्यों पड़ेगा? मीडियम कार्बन स्टील कभी भी टूटता नहीं है, मुड़ जाता है, कभी भी टूटता नहीं है, मुड़ जाता है। अगर मान लो कभी आप काम कर रहे थे मशीन पर, अगर आप क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, और काम करते करते आपने प्रेशर क्या कर दिया, अचानक से बढ़ा दिया। अब प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या हुआ, जो टूल है वो क्या हो सकता है, टूट सकता है। और समय पर जब ऐसी प्रेशर बढ़ेगा टूल टूटेगा, और चलती हुई मशीन से अगर मान लीजिए गलती से टूल क्या हो गया, टूट गया, तो टूट करके जहाँ पर भी जाएगा और कोई सी व्यक्ति के अगर ये लग गया तो मामला क्या कर देगा, गंभीर कर देगा। तो इसलिए कभी भी लैथ मशीन के जो टूल की जो बॉडी होती है ना, टूल की जो बॉडी होती है वो किसके बनती है, मीडियम कार्बन स्टील। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा पहली बात, तो ठीक है। पूछा क्या जाएगा, पूछा जाएगा ये वाला भाग है ना, कि जो ऊपर वाला जो टिप है ये किसका बना रहेगा, लैथ मशीन का। अब इसे ही आपको औजार मान के चलना है, इसे ही आपको मेन चीज मान के चलना है, इसे ही अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि लैथ मशीन एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई लैथ मशीन का टूल किस धातु का बना रहता है, तो आपको क्या बोलना है, आपको क्या बोलना है भाई, ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, साई को आता है नहीं आता है इसके बारे में, तो आपको बोलना है कि भाई ये जो टूल है ना ये किसका बनेगा, हाई स्पीड स्टील का। किसका बनेगा? हाई स्पीड स्टील का बनेगा। लैथ मशीन का जो टूल बनता है वो किसका बनता है? हाई स्पीड स्टील का। इसी का एक अन्य नाम भी है, इसको आप टूल स्टील, है ना, एक ही बात होती है, टूल स्टील भी कह सकते हो, लेकिन आपका एग्जाम में आंसर क्या आएगा, वो आंसर आपका यही आने वाला है। क्या आने वाला है? हाई स्पीड स्टील, कि भाई लैथ मशीन का टूल किसका बना होता है, हाई स्पीड स्टील का। तो यही आपका मेन आंसर रहेगा, हाई स्पीड स्टील। उसके बाद में आपका आंसर हो सकता है टूल स्टील, और हाई स्पीड स्टील के अंदर सभी धातुएं, निकल आता है, मैग्नीज आता है, टंगस्टन आता है, है ना, ठीक है, और इसके साथ में आपका क्रोमियम आता है ना, क्रोमियम के साथ वैनेडियम आता है ना। ये सारी धातुएं, ऐसी कोई धातु नहीं है जो आपके इसके अंदर HHS के अंदर नहीं डाली जाती हो। समझ में आ गई बात? हाँ भाई, जो आप 0.30 से 0.80 जो बोल रहे हो, वो आप बोल रहे हो मीडियम कार्बन स्टील के लिए, ठीक है। अच्छा विजय है ना, मयूरी, ठीक है, अच्छा समझ में आ गया होगा यहाँ तक। HHS बोला है मैंने, है ना, HCS नहीं बोलना है, HCS का मतलब तो कुछ और हो जाता है, H 22% के बीच में ना, एवरेज वैल्यू जो आती है इसकी, टंगस्टन को कितना मिलाया जाता है, टंगस्टन है ना, तो एवरेज वैल्यू कितनी आती है, अगर एवरेज वैल्यू की बात करें, देखो 22% का मतलब एवरेज वैल्यू आती है 18%, कितना आता है 18%, ये पूछा जा चुका है कई बार, है ना, ध्यान समझना। ये जब क्वेश्चंस में करवाऊंगा ना, तो बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको इसको डिटेल के साथ में एक एक चीज़ बता दूंगा, है ना। अगर एवरेज की वैल्यू करते हैं, एवरेज हो गया ना अभी, है ना, तो अगर एवरेज की वैल्यू करें तो 18%, 14 और 22 के बीच में मिडिल में क्या आता है, 18 आता है, ठीक है। तो ऐसे ही निकल डलेगा, निकल लगभग आपका आवश्यकता के अनुसार होता है, ज़्यादा हार्ड बनाना है तो 20-22% डाल दो, अगर कम बनाना है तो 5-6% तक मैग्नीज आएगा, क्रोमियम लगभग 6% या 14% के बीच में
वैसे क्रोमियम की भी एक फिक्स डिजिट है 12% है ना, लेकिन ये इसकी क्या ये काटने वाला धारदार औजार है तो 12%, अगर ये घूमने वाला औजार है तो कितना डाल दो आप 6% 7%। वेनेडियम का फिक्स है 1%, फिक्स कितना है 1%, अगर 1% से आप ज़्यादा मिलाना चाहते हो, ज़्यादा ही आपके अंदर से इच्छा हो रही है तो 1.5 हो सकता है, वो बहुत ही रेयर केस में रखा जाता है। और वेनेडियम को बहुत कम 1% क्यों मिलाते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन को क्या कर देता है, कम कर देता है, और जहाँ फ्रैक्शन कम हो जाता है तो वहाँ काटना ही क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो फ्रैक्शन जो होती है ना, फ्रैक्शन को बनाए रखना वो जरूरी होता है, और ज़्यादा फ्रैक्शन हो जाएगा तो टोल हमारा टूट भी सकता है, तो इसको सिर्फ कितना डालेंगे 1% डालेंगे ना। तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ, यहाँ लैथ मशीन के लिए जब अपन बनाएंगे तो 6%, ये लगभग आपका क्या आ जाएगा, मैंगनीज जो आ जाएगा लगभग आपका आ जाएगा 5% आ जाएगा। टंगस्टन का मैंने बता दिया 14 से 22% यानी 18% है ना कि नहीं। क्रोमियम का आप यहाँ पर कितना लो, 6% ही लो, और वेनेडियम का आप कितना लो, आपका 1% लो, ये मैंने अपने अनुसार बताया, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने आपको बताया उपयोगिता के आधार पर हम क्या करते हैं, इसका उपयोग में लेते हैं। बाकी जो बचेगा वो क्या बनेगा, कार्बन और लोहा और कार्बन बचेगा। बैठ गया ना दिमाग में, इसमें कुछ ज़्यादा मैं आपको नोट्स वोट्स ऐसा नहीं करवा रहा हूँ, आप बेफिक्र रहिए। हाँ, डब्लू ताप को सहन करने के लिए, अरे वाह शाबाश विजय, बहुत अच्छे आप, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं ना, बहुत बढ़िया आप, मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं ना भाई। साफ सीधी बात, ताप को सहन करने वाला होता है, और यहाँ तो फ्रैक्शन होगा, और फ्रैक्शन होगा तो टेम्परेचर को कौन एब्जॉर्ब करेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर इसकी संख्या क्या रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं। सर जी साइको, अरे यार आप विजय जी, हाँ साइको के बारे में देखो, साइको का ऐसा है जब आपका लोको पायलट का मेंस निकल जाए उसके बाद आप साइको इतना 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 अच्छा चीज़ है, इतनी बढ़िया चीज़ है। लेकिन हाँ, साइको कई लोग बोलते हैं 7 दिन में साइको की तैयारी हो जाती है, जो ऑल ओवर इंडिया पढ़ाने वाला जो सबसे शानदार, वो उस टीचर के शब्द ये हैं कि साइको की तैयारी अगर वो जो जिसका बुक ऑल ओवर इंडिया चल रहे हैं ना, जो मतलब एक स्टैंडर्ड व्यक्ति है, तो कुल मिलाकर कहा जाए उनका ही पर्सनल कहना ये है कि साइको 7 दिन में नहीं हो पाता है, साइको के लगभग 20 दिन चाहिए होते हैं। और मैंने उनसे जब ये बोला तो मतलब उन्होंने बोला 22 से 24 दिन मैं अपने मान के चलता हूँ, है ना। तो 20 से 24 दिन के अंदर जब आप साइको कंप्लीट पढ़ लोगे तो मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूँ कि 30 में से आपके 28 या 29 नंबर आपके 100% आ जाएंगे। लेकिन बस शर्त क्या है, जो हिसाब से बताया जाए उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये साइको आपको ज़्यादा टेंशन वाली लेने वाली बात नहीं, साइको में से साइको 30 नंबर का होता है लोको पायलट के लिए ना, और साइको में से 28-29 नंबर लाना बहुत बहुत आसान है, लेकिन मेहनत तो है, मेहनत तो ऐसी है कि भाई शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि यार गए कुछ होगा ही नहीं, लेकिन फिर जब जैसे जैसे आपका टाइम ऐसे बढ़ता चला जाता है ना, जैसे जैसे आप पढ़ाई से जुड़ते जाते हो, देखो अभ्यास बहुत अलग चीज़ होती है, समझना मेरी बात को। आप किसी गेम को नया नया डाउनलोड करो, किसी गेम को आप नया नया डाउनलोड करो तो आप क्या करते हो, एक स्टेप दो स्टेप ही चल पाते हो, लेकिन जब वो गेम आपका है ना हैबिट में आ जाता है ना, एक बार दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन आप उसकी 5th-7th स्टेप पार कर जाते हो धीरे धीरे ना, अगर उसके 15 स्टेप है तो 15वीं स्टेप भी क्या कर जाओगे, आप पार कर जाओगे, ठीक है। कब, जो जब आप 8-10 दिन बाद, तो 10-15 दिन के अंदर, 8-10 दिन के अंदर वो गेम में इंटरेस्ट आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा ना। ऐसे ही साइको होता है, साइको भी बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। अगर आप साइको करने बैठेंगे ना तो शुरुआत में तो आपको ऐसा लगेगा कि आप यार ये तो हो ही नहीं रहा, ये तो 60%। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई केवल पहले तो ऑफलाइन होता था है ना, अब ऑनलाइन होगा, मैं अगर आपसे कहूं कि भाई 96 गोलों को भरना है, तो आप में से कई ऐसे होंगे जो 4 मिनट में भी उन्हें नहीं भर सकते हैं, है ना। वहां तो 4 मिनट में क्वेश्चन देखना भी है, करना भी और भरना भी है, वहां तो 4 मिनट में 96 पूरे ही भरने हैं। तो वो सब कला है, कैसे किया जाता है, कहाँ आँखें रहती है, कहाँ हाथ रहते हैं, और कहाँ पेंसिल रहती है, और कहाँ पेंसिल यानी पेन रहता है, और कौन सा पेन रहता है, और किस जगह पर कैसे गोला करते हैं ना, ये सब कला है, और धीरे धीरे सीखने में आता है। घबराने की 1% ज़रूरत नहीं है। आपके साथ बहुत अच्छी टीम जुड़ी हुई है वाईफाई स्टडी की, आपको उस समय पर जब आपका साइको की
बात आएगी तो मैं खुद आ जाऊंगा, प्रकट हो जाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। साइको जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से करते रहना, काम हो जाएगा, है ना। आप बेफिक्र रहो, 1% अगर आपका ना हो 90% अबाउ, तो फिर मुझसे आप कहना कि भाई सर आपने बोला था और ऐसा नहीं हो पाया। आप ये मान के चलिए कि मैंने पिछले 2014 में पढ़ाया साइको, तो उस टाइम पर भी आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आया बच्चों का, और आप बेफिक्र रहो साइको के लिए। मैं काफ़ी बार पूछ चुका, तो मैं आज आपसे बोल दिया मैंने इस बात को, आपका 100% करवा देंगे, बेफिक्र रहो, शानदार हो जाएगा। लेकिन भैया वो यहाँ पर हाथ जोड़ के विनती है, भैया यहाँ पर आप लोग ध्यान दो, ये चीज़ें अगर आपने नहीं करी यहीं पर ही आपने परसेंटेज इतना डाउन कर दिया, आप 70 के लिए नीचे आ गए, तो फिर आप मेरे से कितना ही बोलो साइको में 100% नंबर दिला दो, 30 में से 28-29 नंबर में आपको दिला दूं, उसके बाद में अगर आप बोलो 28-27-28-29 नॉर्मल, अगर 20-22 दिन आप ढंग से जम के तैयारी कर ली मेरे अनुसार चल रही है, तो फिर अगर मान लो यहाँ पर ही आपने 70% के नीचे ले गए आप यहाँ पर ही, है ना, 70% काउंट हो गया, यानी 49 नंबर आपको यहाँ से जोड़े जाएंगे अगर 70% भी आते हैं तो। अगर इसके नीचे आप लेके चले गए तो फिर तो भाई 50% ही नंबर आ रहे हैं साहब हमारे, तो 50 का मतलब 35% मार्क्स आ रहे हैं, 35 में आपके 30 जुड़ भी जाएंगे तो 65 ही तो हो रहे हैं, अब 65 में थोड़ा सिलेक्शन होता है, तो भैया यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दो, है ना। अगर आप यहाँ ध्यान नहीं दोगे तो मामला क्या हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल शाबाश शाबाश सुजीत शर्मा जी का हमें, चलो बढ़िया है, आप समझ गए हैं बिल्कुल, है ना। चलिए हम आगे चलते हैं, बिल्कुल सुजीत शर्मा जी, ना नेक्स्ट अगला पॉइंट पे हम चलते हैं। हम क्या चल रहे थे, हाँ हमने क्या बोला, हमने इसके बारे में बात कर ली, पूरा टंगस्टन के बारे में बात कर ली, हमने टूल स्टील के बारे में बात की, हमने ये सब चीज़ें कंप्लीट कर ली। अब हम देखो, अब हम आगे चलते हैं अपने लेथ मशीन के बारे में। आप टेंशन मत लो, आपके साथ बहुत अच्छी टीम यहाँ खड़ी है, टेंशन लेने की 1% ज़रूरत नहीं है, है ना कि नहीं। हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा पैसा वैसा कमाना है, बहुत कमा लिया हम लोगों ने 2010 के बाद में, बहुत कमा लिया, अब नहीं, अब तो बस उतना ही ज़रूरी है जितने में अपना काम हो जाए, है ना। आप बेफिक्र रहो धीरे धीरे, ना आप लोगों को सब चीज़ अवेलेबल हो जाएगी, ना बेफिक्र रहो, है ना, टेंशन मत लो, लेकिन यहाँ पर ध्यान दो। देखो क्या करना है अपने को, अब देखो अगले पॉइंट पे हमने ये क्या करा, टेलीस्ट्रोक देख लिया, टेलीस्ट्रोक में आगे डेड सेंटर है, डेड सेंटर को हमने क्या हटा करके यहाँ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल लगा सकते हैं। यहाँ पर आपका टूल स्ट्रोक मतलब टूल पोस्ट है, टूल पोस्ट के अंदर हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगाते हैं ना, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का टिप या सिंगल पॉइंट कटिंग टूल किसका बना रहता है, हाई स्पीड स्टील का बना रहता है ना। और अगले पॉइंट पर चलते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, ये वाला जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो सेक्शन यहाँ पर, अगर आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं अगले स्लाइड में चलता हूँ। देखो तो यहाँ पर जो ये वाला जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग जो है ये है कैरेज। ये क्या है भाई, ये है कैरेज, दिख रहा है ना आपको ये वाला पार्ट, ये है कैरेज। कैरेज के अंदर, कैरेज के अंदर कैरेज हैंडव्हील भी है एक, ये कैरेज हैंडव्हील है भाई, है ना, और कैरेज स्लाइड हैंडव्हील कहते हैं इसे ना, कैरेज स्लाइड, स्लाइड मतलब आगे और पीछे ले जाने वाला है, मतलब इसकी पोजीशन को चेंज करने वाला है ना, कैरेज स्लाइड हैंडव्हील है ना ये, देखो हाँ क्रॉस, अच्छा यहाँ पर एक और वर्ड लिखा है क्रॉस स्लाइड हैंडव्हील। अब ये क्रॉस स्लाइड जो हैंडव्हील है ना, ये वाला जो कैरेज स्लाइड जो हैंडव्हील है, इस कैरेज को इधर और इधर मूवमेंट करेगा, कौन सा वाला, कैरेज हैंडव्हील है ना, और क्रॉस स्लाइड हैंडव्हील जो है वो आपके इस वाले पुर्जे को, इसके ऊपर भी एक पुर्जा लगा हुआ यहां से यहां तक है ना, ये वाला जो पुर्जा लगा हुआ इस पुर्जे को मूवमेंट करेगा, ये के आगे और ये पीछे है ना, तो ये क्रॉस स्लाइड हैंड व्हील है ना, तो दोनों चीज़ों पे आप विशेष ध्यान रखना, कैरेज स्लाइड व्हील इसके अकॉर्डिंग इस तरीके से लेगा, क्रॉस स्लाइड हैंड व्हील जो है वो आगे पीछे, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर रहेंगे ना, समझ गए होंगे मेरी बात, यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई हुई। तो कैरेज क्या होता है, एक मूवेबल पार्ट होता है, मूवेबल पार्ट में दाएं से बाएं जाता है ना, तो ये दाएं से कहाँ जाता है, दाएं से बाएं है ना। अब दाया तो आपका ये वाला पार्ट रहेगा, दाया मैं आपको लिख देता हूँ ना, राइट वाला तो आपका ये वाला रहेगा, राइट से कहाँ, ये वाला आपका किधर जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा ना, राइट तो कहाँ जाएगा, लेफ्ट है ना,
है ना, दाएं से बाएं की तरफ, ठीक है। अब ध्यान समझ, मतलब इस तरीके से क्या मूवमेंट, मतलब आगे लेफ्ट राइट मूवमेंट कर सकता है, लेकिन कटिंग के दौरान नहीं, राइट से कहाँ जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा, राइट से कहाँ की तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी यहाँ पर। अब हाँ, कैरेज, कैरेज के बारे में एक और बात बताऊं, रेलवे के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है कैरेज, है ना, और कैरेज जो डिपार्टमेंट रहता है उसका भी काम ये कुछ दाएं से बाएं होता है ना। अब दाएं से बाएं मतलब एक तरफ तो ड्राइवर रहता है और एक तरफ क्या रहता है आपका, गार्ड रहता है ना, दो ड्राइवर और गार्ड, गार्ड दोनों के बीच में ट्रेन, पूरी ट्रेन। अब कैरेज डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, मेन स्टेशन इन्हें मिलता है, बड़ा स्टेशन मिलता है, इसलिए बता रहा हूँ कि आप आने वाले टाइम में रेलवे में जाओगे तो वहाँ लिखा होगा कैरेज डिपार्टमेंट में आप जाना, क्योंकि ये क्लास फिटर वालों की, तो फिटर वालों को ही कैरेज डिपार्टमेंट मिलता है, किसी और को नहीं मिलता, इलेक्ट्रिशियन वगैरह को नहीं मिलता कैरेज डिपार्टमेंट, ठीक है, है ना। केवल मैकेनिकल से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट, मतलब फिटर वगैरह या क्या मशीनिस्ट वगैरह ट्रेड अगर है, मशीनिस्ट को भी नहीं, फिटर को मिलता है मैन, तो है ना। कैरेज डिपार्टमेंट का क्या वर्क होता है, नीचे के साइड जो गाड़ी होती है ना, उसके पुर्जा अगर कोई ढीला है या कुछ और प्रॉब्लम है तो उसको क्या करना, देखना। देखा होगा आपने जब गाड़ी स्टेशन पर एंटर होती है तो दो व्यक्ति वहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे होते, काउंट कर रहे होते, बोले यहाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इस तरीके से जल्दी जल्दी, तो उनका क्या वर्क होता है, वो देख रहे होते हैं नीचे की साइड कोई पुर्जा, तो ये तो कैरेज। उसके बाद में भी स्टेशन पर चेक किया जाता है कि व्हील कहीं कोई फ्रिक्शन तो नहीं हो रहा, फ्रिक्शन से गर्मी तो नहीं हो रही, गर्मी से कोई बर्न वगैरह होने का चांस नहीं है, तो ये रेलवे के अंदर ये भी। तो यहाँ पर आपको कैरेज का भी याद रखना है, कैरेज आगे और पीछे क्या करता है, मूवमेंट। ऐसे वो डिपार्टमेंट भी स्टेशन पे क्या करता है, ड्राइवर की तरफ से एक व्यक्ति चलता है और गार्ड की तरफ से एक व्यक्ति स्टेशन पे चलता है, जो गार्ड की तरफ से चलता है वो स्टेशन पे होते होते आगे की साइड जाता है, जो ड्राइवर से चलता हुआ आता है वो नीचे की साइड जो गिट्टी वगैरह होती है उसमें चलता हुआ किसके पास तक था, गार्ड के पास तक था। जब ये दोनों आप गाड़ी को क्या बोलते थे ओके, तब वो वहाँ से क्या होती है अगले 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर के लिए अगले स्टेशन के लिए निकल जाती है। इस तरीके से बहुत बहुत सेफ्टी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं रेलवे के अंदर। इतने लापरवाही, आप ये सोच रहे हो लापरवाही बिल्कुल 1% नहीं होती, वो बात अलग है, खुदा ना खास्ता कभी मामला बिगड़ जाता है तो फिर वो बात अलग है, लेकिन रेलवे बहुत बहुत सेफ्टी के साथ काम करता है, ऐसा कोई वो नहीं है ना। नेक्स्ट अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, बिल्कुल राधे राधे सभी को, है ना। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, देखो भाई हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने कैरेज के बारे में पढ़ लिया, हमने क्रॉस स्लाइड हैंडविल के बारे में पढ़ लिया, कैरेज हैंडविल के बारे में पढ़ लिया। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, कैरेज को मूव कराने वाला हिस्सा जो है, कैरेज को मूव कराने वाला हिस्सा जो है, बताएंगे आप कौन सा है, बिल्कुल। अब यार मैं इतने, अब मैं सुजीत जी ठीक है आपको, अब मैं उनसे मिला भी नहीं हूँ अभी तक, लेकिन मेरी वैसे देखेंगे मुझे बाकी सब है ना, ध्यान से बातचीत हुई है वैसे, तो दिक्कत नहीं है ना। ध्यान समझना यहाँ पर मेरी बात को, जब ध्यान समझना, बातचीत तो डेढ़ दो घंटे, दो दो घंटे हुई है ना, मिला मैं आज तक पर्सनली नहीं हूँ ना। हाँ इधर ध्यान देंगे, तो भाई क्या बोल रहा था मैं आपसे, मशीन के बारे में बात कर रहा था, इस मशीन के बारे में बात कर रहा था। तो इस मशीन के बारे में अगर हम देखें, इस कैरेज को मूव कराने का काम, कैरेज जो है इसको मूव कराने का काम कौन कर रहा है, तो मूव कराने का काम यहाँ पर एक यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पार्ट है ना, ये लीड स्क्रू है। कौन सा स्क्रू है, लीड स्क्रू। अब लीड स्क्रू जो होता है ना, इसके ऊपर क्या होता है, थ्रेड कटी होती है, लीड स्क्रू जो होता है ना उसके ऊपर क्या कटी होती है, थ्रेड कटी होती है, थ्रेड जो रहती है ना। अब देखो लीड स्क्रू को अगर हम क्या करेंगे, घुमाएंगे नट और बोल्ट का, समझ लो यहाँ सिद्धांत है, ये आपका नट है और ये आपका क्या है, बोल्ट है ना। अब बोल्ट अगर घूमेगा तो नट तो मूवमेंट करेगा ही करेगा यार, सीधी सी बात है ना। और अगर मान लो हमने यहाँ पर इस की को क्या कर लिया, फंसा दिया, की यहाँ पर एक की होती है, उस की को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, लगा देंगे एक की को, समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, टाइम लगता है इसको पढ़ाने में, है ना। यहाँ पर एक की होती है, इस की को अगर यहाँ हम अटैच कर देंगे ना, उसको अटैच करने के बाद में ये वाला जो पुर्जा है ये लॉक हो जाएगा। अब आप जितना आप इसको क्या करो, घुमाओगे उतना, जितना आप इसको लीड स्क्रू से फीड दोगे ना उतना ही आगे और पीछे के, मतलब अगर इस साइड से चल रहा है और क्लॉक वाइज चल रहा है तो ठीक है, सीधी सी बात है, लीड स्क्रू के थ्रू ये वाला जो कैरेज है ना वो क्या होगा, मूव करता हुआ पीछे की साइड यहाँ पर चला जाएगा। समझ गए मेरे बात, यहाँ से धीरे धीरे कहाँ की तरफ चला जाएगा, इस तरफ आपका यह क्या हो जाएगा, चला जाएगा, समझ रहे हो। अच्छा, और अगर आप इसको मैनुअली करना चाहते हो तो लीड स्क्रू आपका रुका हुआ है और आपका ये जो हैंडल है ना, इस हैंडल से घुमा करके भी क्या कर सकते हो, आप यहाँ से यहाँ की तरफ आप इसे ले जा सकते हो। तो आपको लीड स्क्रू के बारे में पता लग गया। आपसे पूछा जाता है कि भाई क्या पूछा जाता है, कि भाई ये पूछा ये जाएगा कि लेथ मशीन पर कैरेज को मूव कराने का कार्य, लेथ मशीन पर कैरेज को मूव कराने का कार्य
कैरिज को मूव कराने का कार्य किसका है? तो बोला जाता है लीड स्क्रू का। किसका है? लीड स्क्रू का। आज के लिए धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी आने वाली हैं। आप इस वीडियो को क्या करें, वीडियो को क्या करें, शेयर करें, है ना, वीडियो को लाइक करें। जितने बच्चे देख रहे हो सभी लाइक करो, और लाइक करने के बाद में सब्सक्राइब करो चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया करो। जहाँ पर भी बैठा करो ना, वहाँ सभी लोगों को बताया करो, भाई हम वाईफाई स्टडी से पढ़ाई कर रहे हैं। और जब हम लोग भी सब्सक्राइब मिलते हैं ना, खुशी होती है बहुत कि हाँ यार। तो कुल मिलाकर के आप लोग, है ना, दूसरों सभी को बताओ कि भाई वाईफाई स्टडी से अपन को टेक्निकल की पढ़ाई करनी है, इसके अलावा और जो सब्जेक्ट चल रहे हैं, और भी जो कोर्सेज चल रहे हैं उनके बारे में बताना, है ना। इसके बाद, इसके साथ साथ आप क्या करें, शेयर जरूर करें वीडियो को, है ना, सभी दोस्तों को। आज के लिए धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।